चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से साफ कर दिया गया कि जेजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि पार्टी को चुनाव चिन्ह चाबी नहीं मिल सका है। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटे हैं। सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। ऐसे में जेजेपी को लेकर सवाल ये रहे कि जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। तमाम अटकलों और चर्चाओं पर दुष्यंत चौटाला ने विराम लगा दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई। दुष्यंत ने बताया कि जेजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि हमने चाबी के चुनाव चिन्ह को रजिस्टर कराने की मांग दिल्ली चुनाव के लिए की थी। इसके अलावा चप्पल का चुनाव चिन्ह भी हमें नहीं मिल सका है। गठबंधन के तौर पर हम मिलकर इस चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में जेजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हमारे संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इलेक्शन सिंबल, और तीन सिंबल जिनको हमने 2019 के अंदर इस्तेमाल किया, कपलेट, चप्पल का, और जो हमें इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है चाबी का, वो तीनों इलेक्शन सिंबल सितंबर में और दिसंबर में तीन अलग अलग दलों को अलॉट कर दिए गए हैं। चौथे सिंबल में बिल्कुल फ्रेश तरीके से चुनाव लड़ने पर तमाम साथियों के ऑब्जेक्शन थे, इसलिए ये निर्णय। जेजेपी की ओर से चुनाव न लड़ने की घोषणा से पहले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की ओर से जेजेपी से दिल्ली चुनाव में बीजेपी का समर्थन देने की उम्मीद जाहिर की गई थी। दिल्ली की जो हमारी पार्टी की इकाई है और केंद्रीय नेतृत्व और जजपा के बीच का मामला था कि कैसे वहाँ पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मैं समझता हूँ बेशक जजपा वहाँ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही, तो भी वहाँ इनका जो भी समर्थक वोटर होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि वहाँ जजपा का कार्यकर्ता और दुष्यंत जी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। अब जब की तस्वीर साफ हो गई है तो जेजेपी ना अकेले चुनाव लड़ेगी और ना ही उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में हरियाणा में सरकार में साथी दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में साथ दिखेंगी। बीजेपी भी जेजेपी की मदद से दिल्ली के दंगल में कितना कमाल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।